बादशाह की आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। क्या मजबूर है गेट क्रॉस करने को, वरना हम लोग जेब भी क्रॉस नहीं करते। आप अगर वहाँ आते कुछ अपना प्रदर्शन देखते हैं, अगर वो जेन्युइन है या नहीं है करके हम पहले असेस करते हैं। आपका जो धरना प्रदर्शन है, जो पहला मुद्दा जो आपका यूनिवर्सिटी पर निर्णय होता है, इस निर्णय लेने के लिए हमारे तरफ से ये जो आपका परीक्षा कंट्रोलर है उनको हम सर, जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम से पहले जब ईयर सिस्टम हुआ करता था तब एक सब्जेक्ट के 340 रुपए लिए जाते थे जब भी आप बैक फॉर्म भरते थे। सेमेस्टर सिस्टम आ जाने से एक पेपर का 340 रुपए लिया जा रहा है, मतलब अगर आप तीन पेपरों में बैग भरते हैं तो आपके 1000 रुपए पार चले जाते हैं, और कहीं गलती से अगर आप सेमेस्टर छूट जाता है आपका तो आपको 9 पेपर देने पड़ेंगे जिससे आपके 3000 पार हो जाते हैं। सर इसका मतलब ये है कि आपकी फीस से ज़्यादा आपकी बैग फीस पड़ रही है, ये कमाई क्यों कर रही है हम ये जानना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी क्या एक गरीब बच्चे ही मिले हैं कमाई करने को, कोई और साधन नहीं है उत्तराखंड सरकार के पास कि वो कमाई कर सके। सर हमारी यही मांग है, पिथौरागढ़ छात्र संघ मुंशियारी के साथ भी बात कर रहा है, DSB कैंपस से भी बात कर रहा है, वो सभी तैयार हैं इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। सर जिस तरह से कॉलेजों में फीस बढ़ाई जा रही है, एक दिन आएगा जब ये प्राइवेट कॉलेजों के बराबर हो जाएंगी, ये फिर ये सरकारी संस्थान बंद हो जाने। हमारी एक भारतीय नागरिक के रूप में ये हक है कि हम अपनी शिक्षा को कम से कम पैसों में ले सकें, हमारी इतनी ही मांगे हैं, छोटी सी मांगे हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह हक देता है कि हम सस्ती शिक्षा ले सकें, तो हम चाह रहे हैं हमारी ये फीस कम कराई जाए, 50 या 100 लिया जाए एक पेपर के लिए, इससे ज़्यादा मांग हमारी नहीं है। हम चाहते हैं धन सिंह रावत इन बच्चों के पास आएँ, इनसे बात करें, क्योंकि अगर किसी कॉलेज से आवाज़ नहीं उठ रही इसका मतलब वहाँ के बच्चे असंतुष्ट नहीं है। वहाँ का छात्र संघ कमज़ोर हो सकता है पर बच्चे कभी कमज़ोर नहीं होते। अगर वो देखेंगे पिथौरागढ़ जो कुमाऊँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है या विद्यालय है, तो आप देखेंगे कि वो भी धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम चाहेंगे पिथौरागढ़ के सारे कॉलेज एक हों, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज एक हों, और एक आवाज़ में वो बोले कि हमारी फ़ीस कम करें। इसमें फिलहाल उनका सेमेस्टर अभी दिसंबर 1-2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है करके कह रहे थे, मगर यहाँ पे पूर्व में जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट तक आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, और इस प्रकार का जो है अनेक मुद्दे पर उनका डिमांड है, जैसे पार्किंग शुल्क को लेकर के है, और करियर का जो फीस जमा करना है उसका बढ़ोतरी हुई है करके उसको लेकर के है, और इस प्रकार का कई मुद्दे हैं जो यूनिवर्सिटी से संबंधित मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे जो है कॉलेज प्रशासन से संबंधित मुद्दे थी। तो यहाँ जो जितना हम कॉलेज के अंतर्गत जितना समस्याएँ हैं उसको हल निकालने के लिए एक 3 सदस्य का समिति गठन किया हूँ, उसका 1 हफ्ते का टाइम दिया हूँ, 1 हफ्ते के भीतर जितना वो असेस करके बताएंगे तो जितना संभव है उसको यहाँ से हल निकालने का प्रयास है, और जितना बिंदुओं जो यूनिवर्सिटी से और शासन से है उसको हम एक रिपोर्ट बना करके शासन को रिपोर्ट करेंगे, और बाकी जो छात्रवृत्ति आदि का जो है एक डिमांड है उसमें भी समाज कल्याण विभाग की ओर से इस हफ्ते के भीतर जो 2015-16 और 16-17 का छात्रवृत्ति है उसको बांटने का कार्रवाई शुरू करने के लिए बता रखा हूँ, तो यही निर्देश हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है इसी के अनुसार कोऑपरेट करने का आश्वासन दिए हैं।